हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आईआईटी जेम 2021 एग्जाम। सो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका इंटीग्रल कैलकुलस से पूछा गया है, इंटीग्रल कैलकुलस के सेक्शन से। तो ज़रा जल्दी देखते हैं किसका सॉल्यूशन कैसे करना है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये जो पूछा गया आपका आईआईटी जेम 2021 के एग्जाम में। ज़रा देखते हैं, यहाँ पे P और T अपने पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर दे रखे हैं। सो अपने पास गिवन है P एंड T आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। DT अपने पास क्लोज डिस्क है जिसका रेडियस अपने पास क्या दे रखा है, T दे रखा है। एंड जो डिस्क है उसकी जो सेंटर है वो अपने पास क्या फिक्स कर रखी है, यहाँ पे 0 0। इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो भी ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बिलोंग करेगा, जो अपने पास ग्राफ बनेगा ये अपने पास सेंटर बन गया जिसकी रेडियस अपने पास क्या है, टी। और सेंटर यहाँ पे क्या है इसका, वह है 0, राइट। अब जरा देखते हैं, तो अपने पास यहाँ पे ये डीटी डिफाइन भी किया गया कि अपने पास कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे रीजन में आ रहे हैं। तो अपने पास ये कंप्लीट रीजन है इसका, मतलब इनसाइड द पॉइंट जो भी सर्कल के बाउंड्री पॉइंट्स है और जो इसके अंदर पॉइंट्स है वो सब के सब इस रीजन में अपने पास आ रहे हैं यहाँ पर। तो अप्रोच करते हैं सॉल्यूशन से। तो अपने पास हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे पोलर फॉर्म से। तो यहाँ पर जैसे आप जानते हो टी डी एक्स डी वाई इन टर्म ऑफ पोलर फॉर्म हम लोग लिखते हैं इसको आर डी आर डी थीटा, ठीक है। और जो यहाँ पर अपने पास जो आर की जो लिमिट है वो अपने पास आर इज इक्वल टू जीरो से आर इज इक्वल टू जीरो से आर इज इक्वल टू टी तक जा रही है। जब आप देख पाओगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। इन शॉर्ट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो अपने पास r की वैल्यू 0 से लेकर t तक गई। एंड जो थीटा की वैल्यू अपने पास आई है वो थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, 0 से लेकर कंप्लीट 2π, ठीक है। तो अपने पास हमें कंप्लीट रीजन को कवर करना है, हमें रीजन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू लेंगे अपन लोग वो 0 से लेकर 2π तक के बीच में लेंगे। तो अपने पास जो r की वैल्यू आई है वो आई है 0 से t, एंड जो थीटा की वैल्यू आई है वो आई है 0 से 2π। अब जरा देखते हैं कि अपने पास सॉल्यूशन कैसे यहाँ पर लिखते हैं इसके इंटीग्रेशन में। तो अपने पास ये दे रखा है आई ऑफ पी कॉमा टी इज इक्वल टू 0 से 2π, ये अपने आगे थीटा की लिमिट, और 0 से t ये अपने पास आ गई आर की लिमिट। डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या अपने पास, आर डी आर डी थीटा अपॉन पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो उसका मतलब क्या, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर पी, ये आ गया अपने पास। अब देखिए यहाँ पर अपने पास कोई भी फंक्शन थीटा का नहीं है, तो भैया यहाँ पर अपने पास कांस्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले थीटा का इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि अपने पास फंक्शन ऑफ पीटी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा का जैसे हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से 2π डी थीटा अपने पास कितना आएगा, थीटा 0 से 2π, तो आंसर इज 2π, ठीक है। तो अपने पास इसका आ गया यहाँ पर। तो इन शॉर्ट आई ऑफ पी कॉमा टी अपने पास कितना आया, 2π। इंटीग्रेशन अपने पास आर क्या दे रखा है, 0 से t आर डी आर अपॉन पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर पी। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि लेट पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू। तो यहाँ पे क्या होगा, 2RDR इज इक्वल टू डी यू। इन शॉर्ट आर डी आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, डी यू अपॉन 2 आ गई। तो अपने पास जो वैल्यू आई वो आई 2π। जब लोग r की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो u की वैल्यू पी स्क्वायर आएगी। जब लोग r की वैल्यू जब t पुट करेंगे तो अपने पास u की वैल्यू क्या आएगी, पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गई लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अपन लोग यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर रहे तो अपने पास यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी। तो आर डी आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आ गई, डी यू अपॉन 2 अपॉन u की पावर p। तो बताइए इस केस में अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे पी स्क्वायर से पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी यू अपॉन यू की पावर पी। तो अपने पास यहाँ पे क्या गया, पाई यू की पावर माइनस पी प्लस वन अपॉन माइनस पी प्लस वन, और अपने पास लिमिट दे रखी है पी स्क्वायर से पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ पे क्या गया, पाई अपॉन वन माइनस पी, ये वही जो वन माइनस पी है वो मैंने बाहर ले लिया। तो अपने पास क्या गया यहाँ पर, पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की पावर वन माइनस पी प्लस सॉरी माइनस पी स्क्वायर की पावर वन माइनस पी। बोलो इतना बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो यार अपने पास यहाँ पर केस डिस्कस करना है कि व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी
अपने पास यहाँ पे केस डिस्कस करना है कि व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी आई पी ऑफ टी, ये फंक्शन अपने पास कहाँ जाना चाहिए, फाइनाइट पे जाना चाहिए, राइट। ये फंक्शन अपने पास कहाँ पे जाना चाहिए, फाइनाइट पे जाना चाहिए। तो अपने पास इस केस के लिए पी की वैल्यूज को बताना है कि पी की वैल्यूज क्या पॉसिबल है। अब जरा देखते हैं। अब यार देखो, पी की वैल्यू डेफिनेटली वन पे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो पी एट पी इज इक्वल टू वन आई पी टी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये अपने पास डिफाइंड नहीं है व्हेन पी इज इक्वल टू वन, जैसे आप देख पा रहे हो। और जैसे हम लोग टी पर लिमिट अप्लाई करेंगे, टी टेंड्स टू इनफिनिटी, तो बताइए यहाँ पे कोई फंक्शन अपने पास टी का है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मतलब अपने पास पूरा पूरा जो केस डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और ये अपने पास फाइनाइट वैल्यू कब देगा, टी जब अपने पास टी टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पर, तो भैया इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो मतलब ये अपॉन में आएगा तो वन अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, तो अपने पास ये फाइनाइट वैल्यू दे देगा यहाँ पर। तो इस केस में वन माइनस पी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन जीरो होनी चाहिए, यस। और अगर वन माइनस पी लेस देन जीरो हुआ तो बताइए इसकी वैल्यू फाइनाइट रहेगी, और पी की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे चूज करते हैं तो ये वाला फाइनाइट अल्टीमेटली तो अपने पास फाइनाइट हो गई होगा। सो आई पी टी इज फाइनाइट, सो पी शुड बी ग्रेटर देन वन। तो अपन लोगों ने बोला क्या है कि व्हेन पी इज इक्वल टू वन आई पी टी इज नॉट डिफाइंड, आई पी टी इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है यहाँ पर जब पी की वैल्यू वन ली है। जब पी की वैल्यू ग्रेटर देन वन ली है तो आई पी टी, और लिमिट लगा रहे हम लोग टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अपने पास क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे वन माइनस पी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, तो बताइए ये अपने पास ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और जैसे हम लिमिट लगाएंगे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये अपने पास टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। सो व्हेन पी इज लेस देन वन, सो आई पी टी अगेन इज नॉट डिफाइंड, इज इट क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर अपने पास है वो है कि ओनली इफ पी इज ग्रेटर देन वन, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। सो अपने पास पी इज ग्रेटर देन वन, वन माइनस पी शुड बी लेस देन जीरो, तो पी शुड बी ग्रेटर देन वन। तो अपने पास आई पी टी फाइनाइट कब होगा, जब पी की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक पड़ी होगी, टेलीग्राम ग्रुप लिंक, उसको जाके ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करो जितना हो सकता है उतना। सो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट पीवाईक्यू साथ में। थैंक यू सो मच।